गुलाम भारत में हुई थी जिस मोटर मार्ग की शुरुआत, स्वतंत्र भारत में नहीं पहुंच पाया वो मोटर मार्ग गांव के द्वार। क्या यही है अमृत महोत्सव मनाने का आधार? क्या यही है अमृत महोत्सव मनाने का आधार? इसी पर खास खबर। आज उस गांव दो की परिस्थिति को स्पर्श करती हुई, चलिए खास खबर में डीसीपी न्यूज पर। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज एक ऐसी बुनियादी समस्याओं से आपको अवगत करवाएंगे जिसे देखकर आपके जहन में भी एक बार जरूर ये विचार आएगा कि आखिर देश में जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो फिर ये बुनियादी विकास कब पूरा होगा। जनाब, बात करते हैं जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से लगी विधानसभा चकराता की। विधानसभा चकराता अमूमन आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, तमाम सारे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखे होंगे जहां पर डांडी कांडी के माध्यम से मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जच्चा बच्चा रास्ते में ही जन्म लेता है। इसी तरीके का एक गाँव विधानसभा चकराता का दो ककनोई जो अभी भी मुख्य मार्ग से वंचित है। 21वीं सदी भारत की सदी, लेकिन उस सदी में भी जनजातीय क्षेत्र का एक गांव आज भी मुख्य मार्ग से वंचित है। और उसी गांव से जुड़े ग्रामीण आज मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि शायद कहीं बार ब्लॉक स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, या सीएम के पास हो, या चुने प्रतिनिधियों के समक्ष हो, अपनी समस्या जो मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है उसको लेकर गए हैं, मगर अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। भाई साहब, सबसे पहले तो जानना ये चाहूँगा कि अमृत महोत्सव जब देश में मनाया जा रहा है तो वो अमृत महोत्सव आप समझ मानते हैं कि आपके लिए भी अमृत महोत्सव है, क्योंकि आपका गांव अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जो मुख्य मार्ग से वंचित है, माकटी पोखरी से दो ककनोई दो मोटर मार्ग जो स्वीकृत होने के लिए आप प्रयासरत हैं, उस दिशा में अभी तक कहां तक काम हुआ है और क्या उम्मीद है कब तक वो मार्ग वो योजना स्वीकृत हो पाएगी? सर, हम लोग ये माकटी पोखरी से जो ककनोई डामटा मोटर मार्ग है, सर ये इतना इम्पोर्टेंट मार्ग है, इसमें तीन जनपद इस रास्ते से जुड़ते हैं, जैसे उत्तरकाशी के जनपद उत्तरकाशी, जनपद टिहरी और जनपद देहरादून। सर, जनपद उत्तरकाशी के गढ़वाल क्षेत्र का ये डामटा से अगर लोगों को चकरोता जाना है तो उनको लाखा मंडल होते हुए चकरोता जाना पड़ता है, जिस कारण कि उनकी दूरी कम से कम 150 किलोमीटर समथिंग है। अगर ये मार्ग जो है डामटा में अगर जुड़ जाता है माकटी से, तो सर यहाँ से लगभग 30 या 35 किलोमीटर में वो चकरोता पहुँच जाते हैं। और सर दूसरी बात, हमारा जो ये डामठा ककनोई मोटर मार्ग है सर, 20 से 25 वर्ष हो चुके हैं और हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को सर सिर्फ एक आश्वासन ही मिलता है प्रतिनिधियों के द्वारा। सर, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रतिनिधि के ही पास जाएंगे ना, बाकी हम लोग और कहाँ जा सकते हैं। हमने कई बार गुहार लगाई है शासन प्रशासन को भी, धरने तक दिए हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ निराशा ही मिली है। सर, ये हमने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान जी के पास भी गए हैं और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी उनके पास भी गए हैं। सर, हम लोगों को केवल आश्वासन ही मिलता है। सर, हम करें तो करें क्या? आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन काम कब होगा ये तो जनाब सरकार ही जाने। और एक ऐसा मोटर मार्ग जो तीन जनपदों को जोड़ता हुआ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लोगों को आवाजाही के लिए बेहतर सुविधा हो सकती है, मगर उस मोटर मार्ग की स्वीकृति के लिए पिछले 20 वर्ष से एक गांव संघर्षरत है। वो संघर्ष कब सफलता में परिवर्तन होगा इसकी तो उम्मीद अभी करना बाकी है, लेकिन फिलहाल हम ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस स्वीकृति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाँव की कुछ या पर्यावरण की दृष्टि से या गांव की कुछ जो खेती बाड़ी है, गांव का कुछ निजी जो जगह है वो बाधा पैदा कर रही हो, या फिर सरकार ही सुस्त पड़ी है?
सर पहले बाधित भी था, सर अब बाधित नहीं है। पहले हमारे जो उस मार्ग में ज़मीनें आ रही है सर, वो हमारे गांव की नहीं है, और दूसरे गांव वालों की ज़मीनें हैं, उन लोगों को भी हमने मना लिया है, वो लोग भी अब तैयार है। सर अब ये सरकार की कमी है जो इसमें स्वीकृति नहीं हो पा रही है। सर आज शायद हम लोगों ने इतना देखा है कि सर जौनसार बावर में ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जो आज तक रोड से वंचित है। मात्र एक गांव दो ऐसा है जो रोड से वंचित है, और अंग्रेजों के टाइम पे सर वहां पे रोड थी जो माकटी से नरवाखेड़ा बोलते हैं उसको, नगरी उछानी तक, उस समय की कटी हुई रोड है। उससे मतलब लोगों उससे पहले लोगों को ये दिखता था यार इन गाँव में रोड सबसे पहले जा चुकी है, और तब से ले कर आज तक उसमें एक ऑडी का भी काम नहीं हो रखा सर। उस मार्ग से जहाँ तक गया है, आपने जिक्र किया छानी तक रोड गई है, उस मार्ग से ये दो जो अपना गांव है कितनी दूरी और है, डिस्टेंस है जो और बनानी है? सर ये दोनों तरफ से कटी हुई है सर, माकटी से नगरी छानी तक, डामटा से पुराना दो छानी तक, वहाँ तक कटी हुई है। बीच में सर लगभग मुश्किल से 3-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एक पुल है सर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक पुल है, बाकी दोनों तरफ से रोड कटी हुई है। तो मात्र 3 किलोमीटर की रोड उस बाधित होने से 3 जनपद का जो जनसंपर्क उससे जुड़ना था वो अभी तक जुड़ नहीं पाया है। समस्या ज़रूर थी ज़मीन को लेकर, लेकिन अब वो भी ग्रामीणों ने अपने स्तर पर सुलझा लिया है, जिनकी ज़मीन थी मना लिया है। लेकिन अब जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की, जिम्मेदारी है विभागों की कि इस गाँव को जो अभी तक मुख्य मार्ग से वंचित है, जो अभी तक उस विकट परिस्थिति में संघर्ष कर रहा है, उनकी इस पीड़ा को समझा जाए और उनकी इस पीड़ा को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जाए। मेरे साथ पूर्व प्रधान भी मौजूद है। प्रधान साहब, गांव के प्रधान पर विकास का जिम्मा दिया जाता है, लेकिन प्रदेश की सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने से कहीं ना कहीं अभी खरी नहीं उतर पा रही है। क्या उम्मीद करें, कब तक आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिल पाएगा? इसमें जो है हमें तो ये लगता है कि हमारी समस्या का हल नहीं हो पाएगा। आखिर इतने निराश क्यों? इतने निराश धरनों तक बैठे हैं सर, ऐसा कोई वो नहीं हमारा कि धरनों पे भी बैठे कि हमारी जो है मतलब ये रास्ता जो है हमें डामटा उसमें जो है टच किया जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई वो नहीं है। क्या उम्मीद रखें? उम्मीदें धूमिल हो चुकी है और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अजीब विडम्बना है जनाब, क्या ऐसे राष्ट्र में अमृत महोत्सव मनाना उचित है जहां की प्रजा ना उम्मीद है? खैर भाई साहब, अभी नए प्रत्याशी दिए थे 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने, मजबूत भी थे और हर तरीके से सक्षम भी थे, क्या उनके समक्ष गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास भी हम लोग अभी ग्रामीण लोग सब लोग गए थे, उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, तो शायद थोड़ी बहुत उम्मीद है हम लोगों को कि शायद हो जाए। नए हो या पुराने हो, हर किसी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी ना उम्मीद है। कोशिश करेंगे, देर आए दुरुस्त आए, नए प्रत्याशी दिए हैं तो नई चीज़ें भी होगी। उम्मीद करेंगे कि जल्द इनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। खास खबर के साथ सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, DCP न्यूज़ उत्तराखंड के लिए। आगे के अपडेट के लिए बने रहें DCP न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।